गाड़ी तैयार हो चुकी है, नहा धो के सब तैयार हैं, चलो चलते हैं भाई। अभी बज रहे हैं 9:10, सॉरी 6:10। और ये नाना जी को बाय करते हुए दुकान पे, बाय नाना जी, और आगे का सफर स्टार्ट करते हुए। तो ये आप देख सकते हो बाहर का मौसम, इधर अभी हम रावतसर से निकल चुके हैं, आगे जहाँ जहाँ जैसे जैसे स्टॉप आएगा वैसे मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही बढ़िया सनराइज। आप लोग एक नोटिस करना चीज, जैसे रावतसर से निकलते हैं ना अपन, उसके बाद जो भी गांव आएंगे सब सर सर वाले हैं। धन्ना सर, मानव सर, पता नहीं क्या कुछ, सारे सर सर वाले हैं। कोई के एक आधा आता होगा जो नॉर्मल नाम होगा, अदरवाइज सारे सर सर वाले आते हैं। यहाँ पे टीचर्स ज्यादा लग रहे हैं मेरे को, सर, मेल टीचर्स, जस्ट जो का पार्ट। हमें बस चूरू, अभी हम हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक चूरू पहुंच जाएंगे, फिर तब मैं आपको आगे मिलती हूँ। बाय। इस रोड पे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। चूरू सरदार शहर से अंदर जब चूरू की तरफ जाते हैं ना, तो आपको ऐसी रोज रोड सॉरी एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, जैसे अप एंड डाउन, बहुत ही बढ़िया, पूरा मजा आ जाता है। एकदम ऊपर जाती है गाड़ी, फिर एकदम नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अभी मैं दिखाती हूँ अगर आता है तो, वेव्स की तरह यार। अभी जैसे अपन ऊपर चल रहे हैं, ये देखो ऊपर से ये गए नीचे। पेट में भी ना जैसे अपन झूला लेते हुए करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं ना तो पेट में होता है, वैसे होने लग जाता है। इधर भी है, ये सिंगल रोड है पर बढ़िया। ये देखो अब ऊपर से ये ट्रक आगे ना होता तो ज्यादा आपको अच्छे से दिखता। अब जैसे ये गांव का नाम भी है पुल्ला सर, यहाँ पे भी सर बताओ। थोड़ा थोड़ा तो आपको भी पता चल रहा होगा। ये देखो ये ऊपर से गए नीचे, ये फिर ऊपर, ये फिर गए नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब काफी अच्छी अमाउंट में नीचे जाएंगे। पूरा नीचे बड़ी मजेदार रोड है। अभी चूरू आने वाला है थोड़ी देर में, पुल्ला सर 1 किलोमीटर रह गया अभी।
नील गाय कहते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्या, हिरन जैसी लगती है नील गाय, रोज उसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसमें, अगर ये गाड़ी के साथ टक्कर मारे ना तो गाड़ी को पलट देती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसमें। हाँ ये देख सकते, कैन यू सी दैट पिकॉक, बड़ा सुंदर है यार, एकदम ही उन्हें पंख खोल ले अब दे, मजेदार। अब अपन आ गए ऑलमोस्ट डेप्थ ऑफ राजस्थान कह सकते हैं, जिसे मोर ही मोर मिलेंगे यहाँ बंद पे। कर सॉरी विंडो खोल रही थी हमने, मोर ही मोर, ऊपर से बारिश का मौसम, नाचते भी मिल सकते हैं। रहा। अगर किसको किसी को वो मोड़ दिखा ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ मेरे को दिखा। बकरियां ये आगे वाला मोटरसाइकिल वाले भैया भी देखना, तीन चार लेके जा रहे हैं ऐसे, दो तीन, तीन चार, दो वो खुद हैं, दो के तीन बकरियां हैं। बताओ इनका चालान काटना चाहिए मेरे को लग रहा है, चार जने एक व्हीकल पे, काटो भाई काटो, चालान काटो। तो हम लोग चूरू के अंदर, मतलब डिस्ट्रिक्ट चूरू कह सकते हैं, तो उसके अंदर एंटर हो चुके हैं। बापू साहब भक्त मंडल चूरू में आपका स्वागत है। 5 किलोमीटर रह गए चूरू। बाड़ी है क्या? क्या की बाड़ी है? देखो चल ना, क्या की बाड़ी सुनो। ये मैं लगा वाटर हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम वाला कुछ है, जैसे मतलब अब पता है राजस्थान में पानी की स्कार्सिटी हो जाती है, पहले तो कुछ ज्यादा ही थी, अभी फिर भी ठीक है, बट है किसी ना किसी एरियाज में ਉਹਨਾਂ काफी में। ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਣਿਆ? ਸੰਗਮਰਮਰ, ये सारा का सारा संगमरमर का बना हुआ है, इसके अंदर पानी स्टोर करते हैं। बड़ा ही सुंदर बना हुआ है यार, ये हिस्ट्री है इसकी, अगर कोई पढ़ना चाहे तो मैं इसकी फोटो भी लगा दूंगी। अभी तो गंदा हो रखा है, बट किसी टाइम पे इसको ज्यादा यूज किया जाता था पानी स्टोर करने के लिए। बना कितना अच्छा हुआ है, आप ये देखो, ये सारा का सारा संगमरमर का बना हुआ है, जो पत्थर है ना संगमरमर उसका। और हम लोग चूरू पहुंच चुके हैं, बस अभी अंदर एंटर किए हैं, देखते हैं मासी के घर तक पहुंचेंगे अभी, जैसे पहुंचती हूँ फिर मैं मिलवाती हूँ आपको सबसे। मौसम अच्छा हो रखा है, ज्यादा गर्मी नहीं है, वैसे गर्मी होगी बट जितनी राजस्थान में गर्मी है उतनी नहीं होगी। और ये हम मासी के घर पहुंचने वाले हैं, वो एंड वाला घर है, चीन 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 वो है ये। और ये चले और गाइस फ्रेंड्स, ये आ गया मासी का घर, दिस वन, दिस वन।
और ये मासी के घर पे पहुंच के चाय नाश्ता चल रहा है, पोहा नमकीन चाय, और फिर बस यहाँ से तो बस अभी यहाँ से चलने लगे हैं मासी के घर से, मासी को लेके। हाँ ये मासी ने घर पे छोटा सा गार्डन बना रखा है। अब भाई मेरे आगे बैठना पड़ेगा, पीछे ने चले आने लिए गुड्डू को बिठाने के लिए। अभी सेटलमेंट करनी है, सब भारी भारी जने हो गए मोटे मोटे, और देखते हैं कैसे सेटिंग बैठती है बैठने की। चलो जी, तो चल पड़े हम लोग मासी के घर से। जय माता रानी की, जय जय हनुमान जी की, जय जय काली माता की, जय। और ये हम लोग चूरू से चल पड़े, निकल रहे हैं, और हमने फिर से सीट चेंज कर ली, मैं और छुट्टू आगे, बाकी सब तीनों मम्मा मासी नानी पीछे, मामा एज यूजुअल ड्राइविंग सीट पे। तो चलिए मिलते हैं जैसे जैसे आगे चलते हैं, जहाँ रुकते हैं या क्या होता है आपको अपडेट देती रहूँगी मैं। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मौसम बढ़िया चल रहा है। आगे मेरे को लग रहा है और हैवी बारिश है, देखते हैं लेट्स सी क्या आगे मौसम है। वैसे तो अच्छी बात है अगर बारिश है तो। क्या आप देख सकते हो आगे फ्लैग, अपना नेशनल फ्लैग कितना बड़ा यहाँ पे नेशनल फ्लैग लगा हुआ है झंडा। चले चले चले। तो वी हैव डन विद दिस टाइप ऑफ स्टफ। तो अभी हम लोग इस होटल पे रुके थे, रेस्टोरेंट पे, जस्ट वो लेने के लिए अपने चिप्स कुरकुरे वगैरह। हाईवे पे ये होटल है, वॉशरूम वगैरह जाना है तभी भी। ये मेरा बच्चा देख लो, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है, बारिश, और ये पहाड़ देख सकते हो आप लोग, मतलब सराउंडिंग एरिया बड़ा अच्छा है। कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 52 फॉर 40 किलोमीटर। पहाड़ छुप गए, अदरवाइज पीछे दिख रहे थे, देख सकते हो आप लोग काफी अच्छा। कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर सकता जितना हम लोग देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्यू है। मेरे को नहीं लगता कि आपको इतना वो पता चल रहा होगा, बट बहुत अच्छा व्यू है यार, सीरियसली। डिज्नी हॉटस्टार भी तो डाउनलोड किया।
ही बढ़िया ग्रीनरी और सब है। पीछे कितनी बारिश थी और यहाँ पे बिल्कुल सही मौसम है, कोई बारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक रेस ये प्रिंट है, मतलब कि स्ट्रेचर वाला शायद होगा ना, स्ट्रेचर वाला लग रहा। जयपुर आगरा है, जयपुर आगरा कोटा कैसे किलोमीटर है जो सरो? तो हमें अब जाना है खाटू श्याम। खाटू श्याम जितना सागो आगे बोरिंग का सागे फिर अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। बाकी कंटिन्यू हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और लाइक का बटन जरूर प्रेस करना अगर यहाँ तक आपने सारी वीडियो देख ली तो।